आज हम बात करेंगे पोल माउंटेड सब स्टेशन। व्हाट इज ए पोल माउंटेड सब स्टेशन? एक पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है? यह एक एस टाइप स्ट्रक्चर पर ट्रांसफार्मर के साथ स्विचिंग इक्विपमेंट लगा होता है, जिसे पोल माउंटेड इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन या आउटडोर सब स्टेशन कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर 11 kV को 415 वोल्ट में चेंज करता है। इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग सर्विस लोड के अनुसार यूज करते हैं। पोल माउंटेड सब स्टेशन में 250 kVA तक की कैपेसिटी की ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे पोल माउंटेड सब स्टेशन के कंस्ट्रक्शन की। तो इसमें इलेक्ट्रिकली मेनली 5 इक्विपमेंट लगे होते हैं। आप लोग फिगर को ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर टॉप पे लाइटिंग अरेस्टर ओवरहेड लाइन के जस्ट बाद एलए होता है। स्टार्टिंग एलए के बाद एबी स्विच, जिस एबी स्विच को टीपीएमओ स्विच भी कहते हैं। टीपीएमओ का पूरा नाम होता है ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच। टीपीएमओ के बाद डीओ फ्यूज होता है, जिसे ड्रॉप आउट फ्यूज भी बोलते हैं। ड्रॉप आउट फ्यूज के बाद ट्रांसफार्मर 11 kV आवलिक 415 वोल्ट होता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर के बाद सप्लाई LTDB, जिसे लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। उस लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में MCCB होता है, जिसका पूरा नाम होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। हम लोग बात करेंगे पोल माउंटेड सब स्टेशन के SLD सिंगल लाइन डायग्राम के। सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए इक्विपमेंट का सिंबल की जरूरत पड़ती है। आप लोगों को इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछ देता है किसी भी चीज़ का SLD बनाओ। तो हम लोग अभी पोल माउंटेड सब स्टेशन का SLD के बारे में बात करेंगे। आप लोग फिगर में ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर 11 kV के ओवरहेड लाइन है, उसके बाद एलए लगा होता है टॉप पे। एलए के बाद एबी स्विच होता है, आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। एबी स्विच के बाद डीओ फ्यूज ड्रॉप आउट फ्यूज जिसे कहते हैं। ड्रॉप आउट फ्यूज के बाद ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर के बाद LTDB, जिसे लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं। LTDB में ही MCCB यूज होता है। उसके बाद सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यह SLD सिंगल लाइन डायग्राम। अब हम बात करेंगे आउटडोर सब स्टेशन की, जिसे पोल माउंटेड सब स्टेशन का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले एलए पे सप्लाई आता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। सबसे पहले एलए पे सप्लाई 11 kV आता है। एलए का यूज क्यों करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। एलए का यूज लाइटिंग स्ट्रोक को डिस्चार्ज करने के लिए करते हैं। एलए से सप्लाई आपको एबी स्विच, जिसे टीपीएमओ स्विच भी कहते हैं। मैं टीपीएमओ का फुल फॉर्म भी पहले बता चुका हूँ। टीपीएमओ स्विच हमेशा ऑफ लोड पे यूज करते हैं, ऑफ लोड पे ही यूज करते हैं, इसे ऑन लोड पे नहीं करते हैं। उसके बाद टीपीएमओ स्विच से सप्लाई डीओ फ्यूज, मतलब ड्रॉप आउट फ्यूज, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए वो यूज करते हैं। ड्रॉप आउट फ्यूज के बाद सप्लाई सीधे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में आ जाती है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में सप्लाई आ जाती है। उसके बाद ट्रांसफार्मर के मतलब प्राइमरी साइड में 11 kV सप्लाई आती है, सेकेंडरी साइड में 415 वोल्ट आती है। प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर का डेल्टा होता है और सेकेंडरी साइड स्टार होता है। स्टार इसलिए होता है क्योंकि लाइटिंग पर्पज से के लिए यूज किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड 415 वोल्ट सप्लाई आउटपुट निकल गया। ट्रांसफार्मर के आउटपुट से अभी LTDB में सप्लाई आ गया। LTDB का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ। LTDB में एक मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर लगा रहता है MCCB। MCCB से सीधे सप्लाई
आदमी के मतलब जितने भी होम अप्लायंस है उनके घरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही है मतलब एक पोल माउंटेड सब स्टेशन का वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें अगर कोई भी सप्लाई मतलब यहाँ से डायरेक्ट हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसको इस सब स्टेशन से को सप्लाई मतलब ब्रेक करने के लिए हम मेन सब स्टेशन से सप्लाई को ऑन ऑफ किया जाता है। यहाँ से कोई ब्रेकर स्विचिंग डिवाइस नहीं है कि हम ऑन लोड पे इस सब स्टेशन से ऑन ऑफ कर सके। इसलिए इस मतलब पोल माउंटेड सब स्टेशन पे बहुत ज्यादा इक्विपमेंट नहीं लगाया गया है ताकि हम एक कम खर्चे में बना हुआ है। मेनली बात यह सस्ता पड़ता है